सुबह सुबह ही राहुल को देखकर सड़क पर उतरा पूरा उत्तर प्रदेश। भीड़ देखकर पूरी दुनिया रह गई है तंग। हम आपको बता दें कि नए साल के मौके पर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर दिल्ली पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश में पहले ही दिन सोसोट पर हट गया है पूरा यूपी का जोर। हम आपको बता दें कि एक तरफ जबरदस्त उमड़ी भीड़, वहीं राहुल और प्रियंका गांधी के बीच के देख के प्यार को देख कर सब खींचते चले आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में लोग भारी उत्साह से नजर आ रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक एक जगह से आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ राहुल गांधी की यात्रा में पहुंची है। लोगों ने राहुल गांधी का स्वागत किया, यहाँ तक कि लोनी के तिराहे पर कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में पोस्टर, बैनर और बोर्डिंग की भी करते नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि उनके अंदर जोर की एक नई ऊर्जा दिख रही है। ऐसे में प्रियंका गांधी भी अपने भाई राहुल के साथ नजर आई, वहीं आम जनता भी सड़कों पर नजर आई है। उनके स्वागत में आम जनता के साथ दिए और उनके साथ वर्ग होकर कई जुट बनाकर नजर आए हैं। हम आपको बता दें कि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा को 9 राज्यों का सफर कर 3000 किलोमीटर की दूरी तय कर मंगलवार को दिल्ली से उत्तर प्रदेश में दाखिल हो गई है। इस दौरान कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में दाखिल होते हुए राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया। भारत जोड़ो यात्रा में उत्तर प्रदेश में दाखिल होने के बाद शाम को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दिल्ली के लिए रवाना हो गए और वहीं सुबह से फिर 6 बजे हनुमान मंदिर में यात्रा गाजियाबाद के टर्निंग रोड सिटी से पहुंच चुकी है। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि हमें भारत यात्रियों पर गर्व है, हम हर भारतवासियों पर गर्व करते हैं इस यात्रा में जुड़ने के लिए। यात्रा की इस बात में भीड़ का पता लगाया जा सकता है कि भारत जोड़ो यात्रा का सर सिग्नेचर ब्रिज और विकास मार्ग, गीता कॉलोनी, पुष्पन रोड, राजा राम मार्ग, कोहली कॉलोनी मार्ग, नेताजी सुभाष मार्ग, MPG मोर्ग और हम आपको बहुत सारी सड़कें हैं जो एकदम डिवाइडर से भरी हुई हैं। इसमें डिस्टर्बेंस न होने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक डिवाइडर कर जिसके चलते रास्तों पर कलेक्शन बढ़ गया। हाल ही में इन जगहों पर 1-60 डाइवर्जन कर दिया गया, इसके कारण मूवमेंट की पोजीशन आप देख सकते हैं कोई भी ये दिक्कत की बात नहीं है, लोगों को कोई परेशानी नहीं होती। फिलहाल जिस तरह यूपी में है BJP सरकार और उमड़ती भीड़ को और योगी और मोदी भी रह गए हैं दंग, वैसे आपकी क्या राय है? क्या इस भारत जोड़ो यात्रा से कोई खास असर पड़ेगा आपकी बार लोकसभा चुनाव में? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।